तो कहा था बहनी हमारा लड़का नहीं बनाए तो लुटाए थे, अब इनका भगवान जो दे दें तो इनका अपने खुशी से नहीं करे थे। अरे ये ऐसे कह रही थी, अरे हम एक साल से चिल्लाई थी लेकिन हमें नहीं मिला, पर गांव तक आ गए और इनके घर पे चली गई। लेने कोई ना कोई तो ईमानदारी वाली बात, कोई ना कोई तो भैया पता है ऐसे बोल दे तू मौसी जाओ कछुआ धुनी फोन कह कह के ना हमें कोई ले आवे हमें कोई ले इंतजार कर रही थी बुलाने का, कोई आया नहीं लेना, तब गए। अब हमारे जाए बात करिए, सब करिए, आप इंतजार कर रहे थे हम लोग कब जाए कब करें, देखो घर द्वार देख रहे लड़का हो तो सोचे की क्या पता बरही वरही आश्रम रहे लेकिन नहीं बराइए तो हम कहा डीजे सभी रात का बैठा था ये कहाँ पार्टी पार्टी करते तो जो सब हमें कि नहीं तो बोलते कि हमें कहा चाहिए डीजे चाहिए। एक इंसान का शौक होता है कि नहीं लगी है और क्या, हम लोग तो सोचे थे कि धमाल मचाई कर रहे हैं नाच भाव तब नहीं क्यों तो कौन बात है वही भी धमाल मची है कि नहीं, तो कहते हो कि हम डीजे मंगाए हम धमाल करें आए थे नहीं कि पार्टी में क्या चाहिए आने से पहले इंतजाम करना चाहिए था और क्या ये बात बताओ जैसे आप जैकिया विजय हो जाती कहता था बहन हमारा लड़का नहीं बनाया तो लुटाए थे आगे। हेलो नमस्ते, तो बस आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। इसके पहले मेरी सास से बस हंसी मजाक हो रही थी, मेरी सास की बहन से जिनके घर पे हम गए थे उसका वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, उनके घर पे गए थे हंसी मजाक उनसे हो रहा था। ये मेरी सास के तीनों बहनें हैं मतलब, और एक के घर पे तो हम लोग गए ही थे तो इनसे कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट है तो इनसे मैं हंसी मजाक करती थी, इनके नात में बस वही हंसी मजाक चढ़ाना उनको चालू था और कुछ भी नहीं था, कोई सीरियस मैटर नहीं था और हंसी मजाक होता है सास बहू में हंसी मजाक होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और जो दिल के करीब हैं उनसे ही तो लोग हंसी मजाक कर सकते हैं। तो बस आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए।